नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप शर्मा। आपको बता रहे कि ISI एजेंट कलीम प्रकरण में NIA की टीम ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ मोहल्ले 9 कुआ रोड पर दबिश दी। कलीम के माता पिता और अन्य परिजनों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई है। इस दौरान कुछ सामान को भी टीम ने कब्जे में ले लिया है। माना जा रहा है कि मामले में अभी बड़ा खुलासा हो सकता है। टीम ने कलीम के एक मकान को NIA ने सील कर दिया है। दरअसल STF और बता रहे हैं कि पुलिस ने बीते 17 अगस्त को शामली के 9 कुआ रोड के रहने वाले कलीम को पकड़ा था। दावा किया था कि कलीम ISI एजेंट है और पाकिस्तान में बैठे ISI एजेंट दिलशाद मिर्ज़ा के संपर्क में था। कलीम का भाई तहसीम भी ISI के संपर्क में है। व्हाट्सएप पर भारत के सैन्य क्षेत्रों और अन्य स्थानों के फोटो भी भेजे थे। जांच में सामने आया कि सरहानपुर का रहने वाला यूसुफ भी दोनों के संपर्क में रहकर फर्जी सिम उपलब्ध करा रहा था। मंगलवार को सुबह करीब 3:30 बजे NIA दिल्ली की टीम ने कोतवाली की आमद दर्ज कराई। इसके बाद कलीम के घर पर मोहल्ले 9 कुआ रोड पर दबिश दी गई। यहाँ पर टीम के सदस्यों ने करीब 4 घंटे तक कलीम के माता पिता और अन्य परिजनों से पूछताछ की है। इस दौरान एक बैग और अन्य सामान को भी टीम ने कब्जे में ले लिया। फरार चल रहे आरोपी तहसीम के बारे में भी जानकारी हासिल की गई। इसके बाद बता रहे कि टीम दिल्ली के लिए वापस लौट गई। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि NIA ने दबिश दी थी। कलीम के बारे में उसके परिजनों से जानकारी हासिल की है। सुबह 4 बजे ही मोहल्ला 9 कुआ में दबिश से लोगों में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे से टीम के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए। कुछ लोगों से भी टीम ने कलीम और उसके भाई के बारे में जानकारी हासिल की है। कुल मिलाकर ये जो एजेंट्स होते हैं काफ़ी चालाक माने जाते हैं, फरार चल रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज की अगर हम बात करें तो आज ही अलीगढ़ से 2 ISI के एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। कुल मिलाकर अलग अलग शहरों में आपको बता दें कि इनके जो स्लीपर सेल होते हैं वो मौजूद हैं। स्लीपर सेल को पकड़ना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि वो एक आम जिंदगी जीते हैं, उनको पकड़ना बेहद कठिन है, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़कर उनको पकड़ा जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई, ऐसे में आज अलीगढ़ से आपको बता दें कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS ने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद 2 लोग पकड़े गए हैं, कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड पर लिया गया। अब इनसे पूछताछ होगी। पूछताछ में जो है आपको बता दें कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आती हैं और यही देखना दिलचस्प रहेगा कि जिस तरीके से स्लीपर सेल काम करते हैं इनको कितनी जल्दी पकड़ा जा सकता है ये वक्त बताएगा। लेकिन इसको लेकर एजेंसीज लगातार काम करती हैं। आपको बता दें कि ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगातार छापेमार कार्रवाई करती है और खास तौर पर इन लोगों को पकड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है इसमें कि इन लोगों से उगलवाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ATS लगातार कार्रवाई कर रही है।